मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हिसार और आज हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात हिसार से मिलने वाली। इस परियोजना का भी आप फाउंडेशन स्टोन का शिलान्यास करने का कष्ट करें। पश्चात नंबर आता है पानीपत जिले का, सीवरेज की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए वहां की जनता की जो दबाव आ रहा है उसके लिए 87 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन। इनके पश्चात रेवाड़ी में जो 4 लेन का आरओ भी बन रहा है, जो कि रेवाड़ी और नारनौल रेलवे लाइन और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ रेलवे लाइन पर यातायात की सुविधा को और भी मजबूत करेगा, उसके लिए आरओ भी का निर्माण रेवाड़ी में, उसका फाउंडेशन स्टोन, उनका शिलान्यास। आपकी तालियां रुक गई हैं, तालियां आपकी बजते रहने चाहिए, उपहार हैं ये आपको। पानीपत जिला में इसके बाद पश्चात नंबर है सनौली और पानीपत का जो रोड है उसका कायाकल्प करने का, क्योंकि वहां से बहुत से लोग श्रद्धालु हरिद्वार की साइड में और चार धाम की यात्रा पे जाते हैं, वो बहुत जरूरी था लोगों के लिए। और इसके पश्चात नंबर आता सोनीपत जिले का, वहां पर भी सीवरेज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और बरसात के समय पानी की निकासी में कोई दिक्कत नहीं हो, 62 करोड़ की परियोजना का वहां पर ये उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। इनके पश्चात जींद में सीआरएसयू जो यूनिवर्सिटी है उसमें टीचिंग ब्लॉक के निर्माण का कार्य 60 करोड़ 22 लाख उसका शिलान्यास। इनके पश्चात सोनीपत जिला, वहां पर भी पानी की निकासी के लिए 10 गांव में जो असुविधा थी उसका निदान करने के लिए 58 करोड़ की लागत से योजना है, उस पर कार्य किया गया और उसका आज लोकार्पण हो रहा है। सोनीपत शहर में अमृत योजना के कार्यक्रम के तहत, और इसके पश्चात फतेहाबाद को एक बार फिर तोहफा मिल रहा है, वहां पर वाटर वर्क से संबंधित जो योजना दी जा रही है उसका शिलान्यास 35 करोड़ की लागत से वहां के लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होगा। और इसके पश्चात गुड़गांव में फारुख नगर रोड वाया जमालपुर से जिस प्रकार की सुविधा वहां पर मिल रही है 55 करोड़ की लागत से वहां सड़क का निर्माण ताकि यातायात की सुविधाएं हों। धन्यवाद सर। जैसा भी बताया गया 24 की तारीख आज 2024 का सन और ये परियोजनाएं 2024 करोड़, ये आज का अंक 24 हम सब के लिए पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत ही शुभ है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आज 19 जिलों की परियोजनाएं उनका शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है और 3 जो जिले हैं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और भिवानी उनमें कोई भी परियोजना लंबित नहीं है, इसलिए उनका आज यहां पर जिक्र नहीं हो रहा है। तथापि पूरा प्रदेश आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि आज की प्रभात, आज का ये दिन उन पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य लेकर आया है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की इन परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से किया है और वो सौगात दी है जो पूरे प्रदेश के जन जन के लिए बहुत लाभदायक होगी और हरियाणा के तरक्की में, हरियाणा के विकास में नए मील के पत्थर साबित होंगे। तो आइए इन सभी परियोजनाओं को, इन सभी उपहारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से कार्यक्रम अपनी बुलंदी पे है और उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमेशा ही जनहित ऐसी हैं, जनता की बात का हमेशा ख्याल रखते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी से, कृपया आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद दें। आज का ये दिन हरियाणा के प्रगति के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
जैसा एक संयोग जुड़ा है 24 जनवरी 2024 और कुल राशि 2024 करोड़। इस ऐतिहासिक दिन पर यहां अपने साथ मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, विधायक बरवाला श्री जोगराम सहयाग जी, यहां हमारे जो लुवास यूनिवर्सिटी लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज श्री विनोद वर्मा जी, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए मेरे साथी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित, सभी हमारे महानुभाव बहनों भाइयों, पत्रकार कर मित्रों, आज जैसा बताया गया कि यहां लुवास यूनिवर्सिटी, इसका जो एक प्रशासनिक भवन, वाइस चांसलर का प्रशासनिक भवन है, उसका उद्घाटन हुआ और साथ ही पशु नस्ल सुधार के नाते से ये जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो लैब है उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं यहां के सभी वैज्ञानिकगण, सभी प्राध्यापक, सभी विद्यार्थीगण, इनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं कि अपनी यात्रा में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है तो यहां के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। इस अवसर पर यहां के सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है, उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का ये मानना है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मजबूत है, लेकिन अमेरिका के लोग कहते हैं हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो वैसे तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उसमें से दीर्घ काल तक आर्थिक व्यवस्था उस देश और प्रदेश की अच्छी बनती है। तो आज हरियाणा के नाते से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भौतिक विकास है इसमें हमारी प्रगति और समृद्धि जो लगातार हो रही है वो इसी के कारण से हो रही है। हमने जहां भौतिक विकास है उसके साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर भी बहुत ध्यान दिया है। सांस्कृतिक विकास के नाते से अगर मैं इन्हीं दिनों की घटना को याद करता हूं तो जैसे देश राममय हुआ है, जैसा इस 22 जनवरी की हम एक प्रकार से इंतजार वर्षों से कर रहे हों, इस प्रकार का माहौल दो दिन पहले जो देश में हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और भगवान राम के उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े दिव्य और भव्य ढंग से कराया है, उससे एक प्रकार से देश की जनता में एक उल्लास, एक उत्साह ये दौड़ा है, ये बड़ा है। प्रधानमंत्री जी, एक विकास पुरुष के नाते से मैं ये भी कहूंगा कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। यानी जैसे हम सुन रहे थे कि इस शिलान्यास और इस जो कार्यक्रम हुआ अपना अयोध्या में,
इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पूर्व शामिल होने से पहले 11 दिन का लंबा उपवास ये उन्होंने किया है। तपोवर के साथ ही ये काम संभव होता है, सामान्य व्यक्ति इसको कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो नई पीढ़ियों को जिस प्रकार का ये उत्साहपूर्वक एक एक इस कार्यक्रम के माध्यम से और जैसा एक उत्साह मिला है, ऊर्जा मिली है, ये हमारे इस काम को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं छोड़ेगा। मैं पुनः आज के इस शिलान्यास के कार्यक्रम के ऊपर आता हूं जिसमें 76 योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, 1338 करोड़ रुपए की उनकी लागत हुई है और ऐसे 76 परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है जिसका 686 करोड़ रुपए का और उस पर लागत आई है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में एक यह संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज ऑनलाइन ये कार्यक्रम जो किया है कोई पहली बार नहीं किया है। वास्तव में तो कोविड का समय एक ऐसा समय आया था जब ये नई राह कोविड ने हमको दिखा दी थी, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट स्वयं उपस्थित होकर के वहां उद्घाटन शिलान्यास करने का समय भी बहुत लगता है, साधन बहुत लगते हैं। तो हमने 2019 में पहली बार ये जो कार्यक्रम किया था उद्घाटन शिलान्यास का, जिसमें 209 प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपए उसने में किए थे और लगातार ये 8वां कार्यक्रम हमारा है ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन का। और अगर 8 कार्यक्रमों का मैं कुल संख्या आपको बताता हूं तो 7 कार्यक्रम पहले जो हुए 1459 प्रोजेक्ट जिनकी कुल राशि 15091 करोड़, इतने बड़े कार्यक्रम हमने जिसमें आज 8वां कार्यक्रम और जुड़ गया है जो 2024 करोड़ रुपए का ये जुड़ा है। तो इस कारण से हम अपने जो विकास की गति है उसको बराबर आगे बढ़ा पाए हैं। आज जिन 19 जिलों में इस उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं उसमें उल्लेख करना चाहूंगा गुरुग्राम, जहां आज 42 प्रोजेक्ट सबसे बड़ी संख्या वहां हुई है, भले प्रोजेक्ट छोटे थे लेकिन सबसे बड़ी संख्या गुरुग्राम जिले की रही है। और राशि के नाते से फरीदाबाद 270 करोड़ रुपए, फतेहाबाद 268 करोड़ रुपए, हिसार 156 करोड़ रुपए, तो उल्लेखनीय जिलों में इनकी जो गिनती है वो सब होती है। हमने इस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश में कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं भी की हैं ताकि हमारे जो काम हैं उनकी गति वो लगातार बनी रहे, उस गति में कोई व्यवधान न पड़े। इसके अंदर हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा एक पहलू जो अर्थव्यवस्था के हिसाब किताब को जानते हैं उनको समझ में आएगा कि कई बार वर्ष अंत 31 मार्च को कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी राशि मंजूर होती है, वो 31 मार्च को बची हुई राशि लैप्स हो जाती है, लेकिन 2 वर्ष पहले हम वो राशि लैप्स न हो एक विशेष व्यवस्था की जिसको हमने कहा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड, अर्थात जो राशि 31 मार्च को बचती है और किसी प्रोजेक्ट विशेष के लिए उसको रिजर्व किया जाता है तो बचने के बाद वो लैप्स नहीं होगी बल्कि एक रिजर्व फंड में चली जाएगी ताकि अगले वर्ष में उस काम को उसी राशि से कराया जा सके। नए प्रोजेक्ट जो आते हैं उसमें यदि राशि की कोई आवश्यकता पड़ जाए बीच में उसी फंड में से उसका उपयोग भी कर सकते हैं और आने वाले बजट में उसका अलग से प्रावधान किया जा सकता है। तो इस के माध्यम से हमारे जो प्रोजेक्ट हैं लगातार वो चलते हैं, उसके अंदर कोई कठिनाई नहीं आती है। पूरे प्रदेश का एक समान विकास, 2014 में सत्ता संभालने से पहले ही हमने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कभी हमने इस प्रकार का कभी दुविधा नहीं मन में आई है कि किसी विशेष जिले का किसी विशेष इलाके का विकास ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो नू जिला हो, सिरसा जिला हो अथवा पंचकुला जिला हो, फरीदाबाद गुरुग्राम हो, करनाल हो, रोहतक हो, भिवानी हो, हिसार हो, कोई भी जिला, इन सब जिलों में जहां जितनी आवश्यकता वहां से आई है, वहां की डिमांड आई है अथवा डिमांड नहीं भी आती है, तो मैपिंग के आधार पर जहां जिस चीज की आवश्यकता है हम अपने आप उन कामों को कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जहां जहां आवश्यकता लगी 20 किलोमीटर दायरे के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए, हमने बिना किसी की डिमांड के भी ऐसे लगभग 70 कॉलेज पिछले वर्षों में खोले हैं और उसमें भी महिला शिक्षा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। अभी इस बार हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैपिंग करा करके और उस कमी को जहां कहीं कमी है, हालांकि स्पोर्ट्स में हमारा स्थान बहुत अच्छा है, प्रदेश का कहीं पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी और आगे बढ़ने के लिए
जहां कहीं किसी खेल की ज्यादा आवश्यकता समझें या वहां की रुचि समझते हैं लोगों की, उन स्थानों के ऊपर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। अभी 10 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई ना कोई खेल का एक अवसर जरूर मिल जाए खिलाड़ियों को। तो ऐसी जब मैपिंग की गई है, 307 गांव ऐसे मिले हैं जहां 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल सुविधा नहीं है। अभी हमने खेल विभाग को निर्देश दिया है कि सबसे पहले इन 309 गांव या 307 गांव में अगर मांग नहीं भी आई है तो भी इन 307 गांव में कौन से खेल का कौन सा छोटा बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, इसका प्रबंध हम इस अगले वर्ष करने वाले हैं। अर्थात मांग की बजाय जरूरत के हिसाब से इनका विकास हो, ऐसे हमारे करने की जो कार्य पद्धति है इसकी काफी सराहना भी हो रही है और बहुत लोग इसके लिए आगे भी बहुत प्रांत हमारी इन योजनाओं को और आगे प्रस्तुत भी कर रहे हैं। इन सब काम को करते समय हमने अपने सामाजिक बदलाव में भी सिस्टम में बदलाव, सामाजिक विकास के नाते सिस्टम में बदलाव बहुत किए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के काम अगर देखा जाए, किसी चीज का निर्माण करना आसान है लेकिन किसी सिस्टम में बदलाव करके लोगों को गले उतारना यह बहुत मुश्किल है। हमने कितने बदलाव किए हैं, भर्तियों के सिस्टम में बदलाव किया, ट्रांसफर के सिस्टम में बदलाव किया, और हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए कितने ही पोर्टल्स, कितने ही हमने इस प्रकार के सिस्टम बनाए ताकि लोगों को सीधी व्यवस्थाएं उनके घर पर पहुंचे, उनकी जरूरतें पूरी हों, घर पर पहुंचे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा है, हमने जो पूरे समाज का डाटा इकट्ठा करने के लिए 71 लाख परिवार हमारे एक खाते में हमारे पास आ जाए, परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक ऐसा काम किया है जो किसी प्रदेश ने, किसी देश ने आज तक नहीं किया। किसी एक व्यक्ति की पहचान तो आधार के हिसाब से बहुत वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन किसी परिवार को एक साथ उसकी जानकारियां सब हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हमारा सामाजिक सिस्टम ऐसा है, परिवार आधारित है, उस परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान हैं, पढ़ने वाले हैं, रोजगार, बेरोजगार, खेती, अस्वस्थ, किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता हो या तकलीफ हो, वो सब एक साथ हमको पता लग जाए ताकि आवश्यकता अनुसार हम सब की योजना एक साथ बना सकें। आज बेरोजगारी के बारे में बहुत चर्चाएं विपक्ष के लोग करते रहते हैं, 2% से लेकर के और 35% तक आंकड़ा उनका चलता है। जब मन में आए 2% आ गया, जब मन में आए 20% आ गया, मन में आए 35% आ गया। कोई ऐसी जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है कि 35% से अब विपक्ष के लोगों ने 9% बोलना शुरू कर दिया। तो आखिर ये रेगुलर चीजें होती हैं, कोई बढ़ती है घटती है, शायद गति से बढ़ती है। हमारा अनुमान अब एक एक व्यक्ति का एक सही अनुमान मैं कह सकता हूं, सेल्फ डिक्लेयर्ड, जिन लोगों ने कहा कि मैं बेरोजगार हूं मुझे रोजगार चाहिए, वो लगभग 8.5% बैठता है। अब 8% 9% का अंतर तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन 8-9% की बजाय उसको 34% कह देना सिवाय राजनीतिक प्रोपोगंडा करने के और कुछ नहीं है। और हम इन सब 8% लोग हैं, इनका एक एक का हिसाब हमारे पास है, किसको कहां आवश्यकता उसकी पूर्ति हो सकती है। सरकारी रोजगार के नाते फार्म भरने का काम वो करते हैं, हम पारदर्शी तरीके से नौकरियां देते हैं। प्राइवेट नौकरी के नाते हम अपने उद्योग को बढ़ावा देते हैं, हमारा उद्योग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण से बहुत अच्छा बढ़ रहा है। उस नाते से हमने पिछले 9 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार आज भी किसी को स्किल डेवलपमेंट के नाते, हुनर विकास के नाते अपना स्वयं का रोजगार करना है, उसके लिए बैंक से लोन लेकर के देते हैं ताकि कोई अपना रोजगार करे। हर किसी को सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी मिलना संभव नहीं है, इसलिए हर किसी व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले इसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं। और अब तो हमने जो HKRN का जो पोर्टल अपना बनाया है, ऐसे बेरोजगार जिनको रोजगार चाहिए उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं, हम उसमें भी पारदर्शिता बरते हुए हैं कि जिनकी उसमें योग्यता या जो उनकी रैंकिंग, एक अंतर जरूर रखा है इसके अंदर, जो उसमें गरीब परिवार के लोग हैं उनकी रैंकिंग ज्यादा दी गई है परिवार की आय के हिसाब से। दूसरा उसकी बारी आती है उसकी योग्यता, पहली योग्यता यह कि कोई एक टेम्पररी नौकरी है, कम से कम परिवार में जो गरीब परिवार है उसके घर का एक बालक कहीं भी 15-17 हजार रुपया महीना भी अगर लेने लग जाएगा तो घर का काम ठीक से चला पाएगा।
180,000 वर्ष की इनकम हमने किसी परिवार के लिए एक बेंचमार्क रखा है कि इस बेंचमार्क से ऊपर कितने लोगों को उठाया जा सकता है। तो ये सब सिस्टम हम व्यवस्था परिवर्तन के अपने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आईटी के माध्यम से ये कर रहे हैं। और इसमें समाज से भी हमेशा मैंने कहा इसके अंदर जितना सहयोग समाज की ओर से होगा उतना ही हम और आगे बढ़े। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, अब हम जो कभी भेदभाव रीजनल क्षेत्रवाद के हिसाब से किया जाता था, पहले एक हाइपर रीजनलिज्म का बोलबाला था, उसको मैंने साथ किया है। जैसा मैंने पहला कि पूरे हरियाणा में एक जैसा विकास हम कर रहे हैं, हमने इसके से अगर एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष के अंदर हमने 33,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार और लगभग 7,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 40,000 किलोमीटर का एक आंकड़ा, ये हर जिले के हिसाब से हम देखते हैं, चाहे वो 3 क्रम की हो, 4 क्रम की हो, 5 क्रम की हो, 6 क्रम की हो, चौड़े मार्ग हो, चाहे वो 4 मार्गीय मार्ग करने की बात है, नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, सब मिलाकर के सड़कों का ये जाल हरियाणा में फैला है। और इसमें 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये घोषित हुए हैं, 8 इसमें पूरे हो गए हैं, 11-12 पर इसमें काम चल रहा है। आज कोई जिला ऐसा नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। हर जिला केंद्र दूसरे जिला केंद्र के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां हर जिला दूसरे जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर कारण से हमारे यहां उद्योगपति अब बेस्ट जिसको कहना चाहिए देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अगर कोई है तो हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। हमें कई लाभ हैं, राजधानी के निकट होने का भी लाभ हमको है और उस नाते से विदेश की कंपनियां एमएनसीज गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, जज्जर, रोहतक, पानीपत इस एरिया में वो पहले से चल रहे हैं और उसके अंदर एक बड़ा योगदान है एयरपोर्ट का। हम हिसार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का अगला एकमात्र एयरपोर्ट जो अपना बनने वाला है वो हिसार का एयरपोर्ट बनने वाला है। तो जब हिसार का एयरपोर्ट जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे हिसार और इसके आसपास अब लोगों की नजरें ये आ गई हैं। हमारे पास बहुत बड़ी डिमांड आ गई है कि हिसार के आसपास आप हमको जमीन उपलब्ध कराइए और हम बड़े इंडस्ट्रियल कोई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाने के लिए तैयार हैं। डेवलपमेंट प्लान अलग से हिसार की तैयार की जा रही है, अग्रोहा की तैयार की जा रही है, हांसी की तैयार की जा रही है, जीटी रोड के आसपास, और अब बहुत जल्दी ये जो रेलवे लाइन रोहतक से हांसी अब कंप्लीट हो गई है। रेल मंत्री जी बहुत जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे ताकि सीधा दिल्ली के साथ हिसार के लोग हांसी से रोहतक और दिल्ली इस नाते से फास्ट ट्रेन के साथ जुड़ जाएं, तो उसी नाते से एयरपोर्ट की एक प्रकार से उसमें सुविधा जरूर होगी। तो आज के इस अवसर पर कुछ प्रोजेक्ट्स की अगर जानकारी आपको देनी हो तो मैं इतना ही दे सकता हूं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 72 किलोमीटर लंबा है उसके कारण से हमारा जो उद्योग है वो उसमें आगे बढ़ रहा है। हमने जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 506 किलोमीटर लंबा वो अलग से जो ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है और एक वेस्ट और हमारे इस वेस्ट और साउथ को जोड़ता है, इस प्रकार से दो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इनके बनने से हरियाणा में से दोनों होकर निकलेंगे, इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारी केएमपी रोड इसका अपने आप में लाभ हुआ। अब केएमपी के साथ साथ हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर एक ये नया रेलवे का रिंग भी जो है दिल्ली के इर्द गिर्द जो पलवल से शुरू होगा कुंडली तक जाएगा, जिसके कारण से दिल्ली के बिना ही हमारे उस दक्षिणी हरियाणा के लोग अथवा पलवल साइड के लोग सीधा चंडीगढ़ अंबाला अथवा पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ दिल्ली टच नहीं करनी पड़ेगी, उस ट्रेन के माध्यम से वो जा सकते हैं। दो बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं आरआरटीएस जिसको कहते हैं, आरआरटीएस सराय काले खां से करनाल तक एक नई रेलवे एलिवेटेड रोड होगी, कहीं अंडरग्राउंड होगी लेकिन उसका एक स्पीड वाली ट्रेन है, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर 8 किलोमीटर के बाद एक उसका स्टेशन होगा, मेट्रो से थोड़ा सा अलग प्रकार से और गति वाली ट्रेन ये होने वाली है। ऐसी दूसरी एक ट्रेन जो है आरआरटीएस वो सराय काले खां से अलवर राजस्थान की तरफ वाया गुरुग्राम रेवाड़ी जिला ये जिले और उस एरिए में जो उद्योगपति हैं उनको उसका लाभ मिलने वाला है। तो आरआरटीएस भी अपने आप में बहुत बड़ा उपयोगी ये कार्यक्रम होने वाला है। जैसे रेलवे लाइन्स हैं इनके ऊपर
ऊपरगामी पुल और अंडर ब्रिज ये भी बड़ी संख्या में बने हैं। और भी रेलवे विभाग की ओर से हमको एक ऑफर है, हरियाणा की जहां रेलवे लाइन का खास करके स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इनमें जो फाटक है उनकी बजाय जहां अंडरपास की आवश्यकता अंडरपास बनाने के लिए और जहां ओवर ब्रिज की आवश्यकता ओवर ब्रिज बनाने के लिए छूट मिल गई है। अब अगले समय में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं रहेगा जिसके ऊपर कोई फाटक आएगा। तो इस नाते से ये बड़ा कार्यक्रम इसको हम पूरा करने वाले हैं। रेलवे फैक्ट्री हमें पता ही है, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत के अंदर 161 करोड़ रुपए एकड़ में लागू जो बनाई गई है, वहां नए रेल कोचेज ये इस प्रकार से बनाने का प्रावधान शुरू हो गया है। और ये एकमात्र ऐसी रेल कोच फैक्ट्री होगी जहां आज की जो मेट्रो चलती है उनके लिए नए डिब्बे अब यहां बनने शुरू हो जाएंगे, तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी खास करके स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नाते, जैसा हमको मालूम है कि प्रदेश भर में जब हमने सरकार संभाली थी सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज चालू स्थिति में हैं और अगले आने वाले समय में अभी 5 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जमीन उनकी ले जा चुकी है। तो ऐसा ये सब 11 के 11 होने के बाद आने वाले 4 या 5 वर्षों के अंदर 26 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, 26 मेडिकल कॉलेज। और जो हमने संकल्प लिया था 2015 में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो एक प्रकार से निर्माणाधीन और योजना वाले सब मिला लें तो वो संकल्प हमारा पूरा हो गया है। अब इस प्रक्रिया को चालू होने के बाद जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो जिस हरियाणा के अंदर 2014 में 700 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स एडमिशन होता था, वहां 3500 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले सकेंगे 5 times। हमारे डॉक्टर्स की कमी वो सब उसमें पूरी हो जाएगी। न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अभी पंचकुला में आयुर्वेद का एक एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जैसा दिल्ली में एलोपैथी का है वैसे आयुर्वेद का पंचकुला के अंदर एक 270 करोड़ रुपए की लागत से उस संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। जहां मैनेजमेंट का विषय है IIM रोहतक सुनारिया में, और इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमरी कुरुक्षेत्र में, ये ऐसे कुछ संस्थान हैं जिन संस्थानों के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ही इनका नाम अपना होगा और देश भर के विद्यार्थी यहां आकर के पढ़ेंगे, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किलोड सोनीपत हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो। तो इस प्रकार के सब संस्थान अब ये एक एक करके शेप ले रहे हैं और हम हरियाणा को एक नेशनल और इंटरनेशनल शिक्षा का एक हब ये बनाने जा रहे हैं। अभी तक सोनीपत में हमारे पास राजीव गांधी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एकमात्र ऐसे स्थान था जहां विदेश के लोग आकर के पढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन आज चाहे गुरुग्राम है, चाहे पंचकुला है, चाहे रोहतक है, चाहे सोनीपत है, ऐसे सब स्थानों पर विदेशों के विद्यार्थी, बहुत बड़ी मांग आ रही है। अफ्रीका के लोगों ने कहा है कि हमारे यहां मेडिकल कॉलेज कम है। अभी तंजानिया की वहां की एम्बेसडर मिल गई थी, महिला एम्बेसडर है, वो कह लगे हमारा तंजानिया की आबादी हरियाणा के लगभग बराबर है लेकिन हमारे यहां सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज हैं और आपके यहां 15 आज चल रहे हैं और आगे जब 26 हो जाएंगे हम चाहेंगे कि हमारे यहां से भी और मेडिकल कॉलेज के छात्र आप यहां हरियाणा में पढ़ाइए। तो आज देश और दुनिया के साथ भी इन चीजों में आदान प्रदान हम लोग कर रहे हैं। तो मित्रों, बताने कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि अब डबल इंजन की हमारी सरकार लगातार प्रगति के पथ पर है। हम जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं वहां सामाजिक क्षेत्र में बदलाव और समाज का जीवन कैसे खुशहाल हो, ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से इन चीजों पर काम कर रहे हैं और व्यक्ति के परिवार के खुशहाली के लिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलता है, केवल पैसे से काम नहीं चलता है, बल्कि उसका जीवन सुखी हो, उसके जीवन में हौचपोच ना हो और उसका जीवन का जो स्तर है ऊंचा हो, बाधाओं से विहीन हो, इन सब बातों की ओर हम ध्यान कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज के इस दिन जितने भी हमने ये प्रोजेक्ट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रहे हैं, चाहे वो हमारी सेवाओं और योजनाओं के नाते से कुछ चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, इन सब का हमको आने वाले वर्ष में लाभ होगा और हम
युग बदल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा परसों के दिन बहुत नेताओं ने जो भाषण दिए उनका कि देखिए अब युग परिवर्तन का ये विषय है, आज 22 जनवरी के उस दिन को युग नए युग के परिवर्तन का पहला दिन मान करके आगे बढ़ेंगे तो एक आशाओं भरा, एक खुशहाली भरा, एक लोगों में एक ऊर्जा और उत्साह भरा एक नया युग शुरू हो रहा है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। हिसार पहुंचे और वर्चुअली उन्होंने प्रदेश भर में 2100 करोड़ रुपए की सौगात दी। 153 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही रोहतक को 78 करोड़ रुपए की सौगात मिली। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ऐलान खुद किए। वर्चुअली उन्होंने तमाम परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों के सुपुर्द की। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में 70 कॉलेज खोले गए हैं, हरियाणा शिक्षा का हब बनने जा रहा है और किसी भी इलाके के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा।